मेरा नाम सारिका त्रिपाठी है। कहाँ आज आई है? मैं तो मतदान देने आई हूँ। आज जो है यहाँ पे आप मतदान करने आए, तो किन मुद्दों को लेकर पहुँचे हैं? क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में, कौन सा मुद्दा भी बाकी है जो विकास करने लगे? मुद्दे के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगी। मतदान सबको करना चाहिए। मतदान हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मतदान सबको करना चाहिए। मैं किन के साथ आई हूँ? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सुरक्षा नहीं है, सब कुछ अच्छा, ओवरऑल मिला के सब कुछ अच्छा है। हम नवाबगंज, इतना तो हम के ना अंदाजो, बहुत दिन से डालत थी। आज वोट डालने आए हैं, तो मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे वोट डाले हैं कि आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए? अभी बाकी जो विकास क्या बात, विकास में हमरे जो है तो मोहल्ला में पानी एकदम खराब आवत हो, यही सब परेशानी है हुए। तो आज वोट डाले हैं, तो आप इसी मुद्दों को लेकर वोट डाले हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा? हाँ। तो किसके साथ वोट डालने आई है? अब हमारा लड़का संदीप आया है। जब आप वोट डालने आए तो कुछ परेशानी हुआ है कि एकदम? नहीं, हमारा लड़का लेके आया है गाड़ी। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सब ठीक है। अच्छा। हाँ जी, मैं सोमा भट्टाचार्य। हम लोग तो दिशा में हम लोग का पड़ा है वोटिंग, बंगाई टोला का। और मुद्दा है ये सड़क, लाइट, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों के, सड़क पे, महिला की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, यही सब। आज भी जो है कितने सालों से आप वोट डालते आ रहे हैं, सुरक्षा सुरक्षा तो बहुत ही बहुत डेवलप हुआ यहाँ पे। पहले तो इस गली में ज़्यादातर महिलाएं रात को निकलती नहीं थी, अभी थोड़ा ये हुआ है कि हम लोग बेझिझक निकल जाते हैं। और होली होली में भी पहले लड़कियां महिलाएं यहाँ निकलती नहीं थी, अभी महिलाएं भी होली में भी निकलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत डेवलप हुआ है ये एरिया भी, और लाइट, पानी और सड़क भी, ये देख लीजिए आप, ये सब नया बना है, बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। लाइट ये सब नहीं था पहले, हाँ रात को जलता ही नहीं था, पूरा अंधेरा रहता था, अभी लाइट वाइट सब यहाँ पे लग गया है। और पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अभी क्या, अभी और क्या डेवलप चाह रहे हैं? डेवलप तो अभी जो है बहुत अच्छा चल रहा है, आशा करते हैं कि और अच्छा हो बस। जी, अपना परिचय दे दो। मैं चंद्रनाथ मुखर्जी, भाजपा प्रत्याशी, वार्ड नंबर 91 बंगाली टोला। किस तरह का यहाँ पे चुनाव चल रहा है, क्या चुनाव? तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही कड़ाई के साथ चल रहा है। और जिसमें जो विरोधी गुट के लोगों ने सोचा था कि ये करेंगे बूथ के, वो कैप्चरिंग करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बहुत सही ढंग से जो है, बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग हो रहा है। और थोड़ा धीमा गति है, दोपहर का समय, हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा सा तेज़ी पकड़े,
अभी तक ये तो अनुमानता आपके हिसाब से कितना प्रतिशत वोट कर चुका है? अभी तक तो मेरे अनुमान के हिसाब से 40%। हाँ, और हर बार 50 से 60 होता है, इस बार 40। इनसे सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की या पुरुषों की है? नहीं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, पुरुष अभी पीछे है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा। अपना नाम बता दीजिए। प्यारी देवी। प्यारी जी कहाँ रहती है? अब बताओ तो भाई, जब से जियत भाई तब से डलते भाई। तो हर बार लगती है लाइन में? आते हैं अभी, वोट पड़ल लल है फिर ना लली। कितना उम्र हो लगभग आपका? कितना अभी हम आ जाने? 75। अब आप लोग देख लो। नाम बता दीजिए। लाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से डाल रहे हैं। अच्छा, कितना साल उम्र होगा? अरे वो कांग्रेस का जनरल था, लाल बहादुर सिंह ठाकुर थे कांग्रेस का, हम बहुत दिन से थे। क्या उम्र है आपकी, क्या साल के हैं आप? 90% कम नहीं होगा। मैं आप वोट डाले हैं यहाँ पे तो कैसा लग रहा है आपको? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? ठीक ठीक है। पहली बार वोट दी, हमको बहुत अच्छा लगा। तो किन मुद्दों को लेकर आप आज वोट डालने आए हैं? क्या आपका मुद्दा क्या था? क्षेत्र का विकास होना चाहिए, कौन कौन से काम होने चाहिए? क्षेत्र का समाज में विकास होना चाहिए, समाज मेरा अच्छा हो रहे। वही पहले अमित था, अभी ये नगर निगम में आ गया। हाँ। तो किस प्रकार का और आगे आप विकास चाहते हैं? चाहते हैं अपने क्षेत्र? अपने क्षेत्र हम अगले बहुत मतलब बस विकास हो और क्या। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं सुसवाई का निवासी हूँ। आज कहाँ पे आए हैं? मैं सुसवाई में जो हमारा बूथ बना है नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, वहाँ पे अपना मत देने आया। तो ये क्षेत्र जो है पहली बार ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में आया है जी। तो क्या चाहते हैं, किस तरह का यहाँ पे विकास, किन मुद्दों पे आप वोट देने पहुँचे हैं? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि स्थानीय सुशासन जो होता है उसी से पूरे देश का विकास हो सकता है। जब आपका जो रूट लेवल है वहाँ पर विकास जब शुरू हो जाएगा तो पूरे देश का भी विकास शुरू हो जाएगा। तो कई सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क है और पानी की समस्याएं हैं, जैसे कि अभी इस क्षेत्र में अभी वाटर टैंक की व्यवस्था नहीं है, अभी भी यहाँ का जो वाटर टैंक है काफ़ी दूरी पर है और लोगों को पानी के लिए लगातार समस्याएं होती रही हैं। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पे विकास को लेकर के हैं। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी, मेरा पहली बार मैंने मतदान किया। सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, तो इसलिए वाराणसी प्रशासन को भी धन्यवाद। नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। अगर समस्याएं आ रही हैं तो बताया जा रहा है कि किस प्रकार आपको मतदान करना है, काफ़ी सुचारू ढंग से चुनाव कराया जा रहा है। मेरा नाम जयशंकर सिंह रिंकू है। जयशंकर जी, आज वोट डालने आए तो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर वोट डालने आए? सरकार, बीजेपी सरकार जीत रही है यहाँ से। मुद्दा क्या है इस बार का जो है आप जो है? विकास करना है, जीतेंगे विकास होगा। तो आज किनके साथ और कहाँ पे आए हैं? हम अपनी औरत के साथ आए हैं वोट डालने के लिए। कौन सा वार्ड पड़ता है? 39 वार्ड है। इस बार जो है ये ग्रामीण एरिया नगर निगम में ये तब्दील हुआ है, तो किस प्रकार का विकास आप चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में हो? जनता से सुन के जो जो समस्या होगा सब विकास किया जाएगा, सब कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा, किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे वोटरों को आप अपनी तरफ? भाजपा को जिताएं और कार्य अच्छा किया जाएगा। अपना नाम बता दें।
मैं रविशंकर, सामाजिक कार्यकर्ता, और हम चाहते हैं कि एक साफ स्वच्छ छवि का मेयर वाराणसी का हो, और ऐसे में हमको सबसे अच्छा मेयर प्रत्याशी जो अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे अनिल श्रीवास्तव जी नज़र आते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं को हमारे नगर निगम की जनता का प्यार अनिल श्रीवास्तव जी को मिले, तो निश्चित रूप से नगर निगम का अच्छा विकास होगा। धन्यवाद। अलीशा गुप्ता। तो अलीशा जी, आप पहली बार आई हैं या नहीं? इसके पहले भी आ चुके विधान वाले में। तो क्या है आपकी सोच, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं? हम प्रत्याशी ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारे देश का विकास पूरा अच्छे से संभाले, पूरा क्या अच्छे से पूरा करे। आपने यहाँ पर मेयर का है, सभासद का है, तो दोनों बुकिंग किया? हाँ, दोनों किया हमने। तो किस तरह की व्यवस्था लगी आपको यहाँ? यहाँ की व्यवस्था ठीक लगी हमें, अच्छी लगी है यहाँ की व्यवस्था। तो आपका सभासद कैसा होना चाहिए? हमारा सभासद अच्छा होना चाहिए कि जो पूरा देश को पूरे अच्छे से चलाए, पूरे नागरिक को अच्छे से देखे, सबकी तुरंत रक्षा करे। यही सब सोच करके आपने? हाँ। अपना परिचय और नाम बता दीजिए। मेरा नाम जया श्रीवास्तव है। कहाँ से आई हैं आज वोट करने? ये नई बड़ी पेरिस है ये। अच्छा, वोट किया जी? किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ईजिली सब हो गया। तो क्या चाहती हैं, आपने वोट किया, कैसा आपका प्रत्याशी हो, क्या हो? बस यही चाहते हैं कि प्रत्याशी जैसा भी मिले, बस सब प्रॉपर काम होता रहे, बस कोई भी आए से कोई फर्क नहीं। मेयर सभा का कोई भी हो, क्षेत्रीय हो, हाँ कार्य करने वाला हो, बस प्रॉपर सारे काम होते रहे, बस। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।